हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लेन एक्स। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये नाम आपने सुना या पढ़ा जरूर होगा, लेकिन आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या? साधारण भाषा में इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसे कागज का टुकड़ा है जिसके जरिए आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन या चंदा दे सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेच सकती है। जब इस बॉन्ड को डोनर अपने पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती है, तब वो पॉलिटिकल पार्टी इसे रिडीम करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाती है, ताकि बॉन्ड का पैसा पार्टी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। खरीदे जाने के बाद एक इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 15 दिनों तक ही वैलिड होता है। यानी कि अगर डोनर ने 1 जनवरी को बॉन्ड खरीदा है तो वो सिर्फ 15 जनवरी तक वैलिड होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी 15 दिनों के अंदर बॉन्ड को बैंक में जमा नहीं करवाती है तो बैंक उसे रिडीम नहीं करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड 5 डिनोमिनेशंस में मिलते हैं, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ में। बीजेपी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इसलिए लेकर आई ताकि इसके जरिए डोनेशन देने वाले डोनर का नाम गुप्त रहे और ये भी गुप्त रहे कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहती है। यही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर के पहचान के बारे में इलेक्शन कमीशन भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं पूछ सकती। आम जनता तो दूर की बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कौन डोनेट कर रहा है, कितना डोनेट कर रहा है और किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा है, ये आम जनता और इलेक्शन कमीशन दोनों ही नहीं जान सकती। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को उन डोनर्स के नाम इलेक्शन कमीशन को देने पड़ते थे जिनसे उन्हें 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा मिलता था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसा स्कीम है जिसके जरिए सरकार ने जनता से ये जानने का हक छीन लिया है कि किन किन लोगों ने या किन कंपनीज ने पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया है और क्या बदले में उन कंपनियों को सरकार से कुछ फायदा मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर इलेक्शन कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ऑब्जेक्शंस उठाए थे, फिर भी सरकार ये स्कीम लेकर आई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बेचे जाने पर रोक लगाने पर एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल किया गया था। सरकार इस स्कीम को इसलिए लेकर आई ताकि पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने वाले डोनर्स की पहचान गुप्त रखी जा सके। इस स्कीम की घोषणा होने के बाद चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सबने ऑब्जेक्शंस उठाए थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। 26 मई 2017 को चुनाव आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को 3 पेज की एक चिट्ठी लिखी जिसमें आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस स्कीम को लाने के लिए सरकार ने 4 अलग-अलग एक्ट्स की अमेंडमेंट की है। ऐसा करके सरकार ने पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम को बेहतर नहीं बल्कि और पिछड़ा बना दिया है। चुनाव आयोग ने पहला ऑब्जेक्शन सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अमेंडमेंट पर उठाया, जिसके अनुसार पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर्स की पहचान इलेक्शन कमीशन को बताने की जरूरत नहीं है। इस पर गौर करिए कि करोड़ों रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिया जाता है और इन डोनर के बारे में मुझे, आपको, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन को भी जानकारी नहीं होती है। आयोग ने कहा कि इससे पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी की कमी हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट कंपनीज और फॉरेन सोर्सेस से चंदा नहीं ले सकती, लेकिन अमेंडमेंट होने के बाद से अगर पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन फंडिंग से चंदा लेती है तो चुनाव आयोग को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। दूसरा ऑब्जेक्शन चुनाव आयोग ने सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अमेंडमेंट पर लगाया। पहले कंपनीज अपने नेट प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% या उससे कम का डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती थी, लेकिन अमेंडमेंट के बाद से ये लिमिट हटा दिया गया। अब कंपनी जितना चाहे उतना चंदा दे सकती है। यही नहीं,
एक्ट के अमेंडमेंट होने के बाद से कंपनीज को अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा सालाना दिया ये बताने की जरूरत भी नहीं है। आयोग ने कहा कि इस अमेंडमेंट का सबसे बड़ा खतरा ये हो सकता है कि कुछ लोग शेल कंपनी सिर्फ इसलिए खोल सकते हैं ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सके और अपने काले धन को इन शेल कंपनीज के जरिए सफेद दिखाकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग कर सके। चुनाव आयोग के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सेक्शन 182 के अमेंडमेंट होने के प्रोसेस पर सवाल उठाया था। 16 मार्च 2017 की एक फाइल नोटिंग में ये लिखा हुआ है कि इस अमेंडमेंट पर एक इनफॉर्मल डिस्कशन यानी कि एक अनौपचारिक बातचीत फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों के बीच और कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑफिसर्स के बीच हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि किसी भी तरीके का इनफॉर्मल डिस्कशन सिविल सर्वेंट्स के बीच इलीगल माना जाता है। अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था कि सिविल सर्वेंट्स कैन नॉट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल और ओरल इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, सजेशंस, प्रपोजल्स एक्सेट्रा। यानी कि सिविल सर्वेंट्स अनौपचारिक तरीके से काम या जरूरी फैसले नहीं ले सकते। चुनाव आयोग ने तीसरा ऑब्जेक्शन अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर उठाया, जिसके अनुसार पॉलिटिकल पार्टी 2000 रुपए से ऊपर कैश में चंदा नहीं ले सकती ताकि पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहे। लेकिन सरकार ने सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट को अमेंड नहीं किया, जिसके अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज 20,000 रुपए तक कैश में चंदा ले सकती है। इस अमाउंट से ज्यादा अगर चंदा मिले तो उन्हें इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर या बताना पड़ता है। आयोग ने कहा कि दोनों एक्ट्स के बीच में समानता होनी जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर ऑब्जेक्शन उठाए थे और उन्होंने कहा कि स्कीम के लाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बैरियर बॉन्ड है जिस पर उसे खरीदने वाले डोनर का नाम नहीं लिखा होता है। उदाहरण के तौर पर राम ने सुनील को 10 लाख रुपए कैश में उधार दिए। राम ने सुनील को बोला कि वो उसे 10 लाख रुपए कैश में लौटाने के बजाय अपने कंपनी के नाम पर 10 लाख रुपए का एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे दे। अब उस 10 लाख रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड को, जिसे सुनील की कंपनी ने खरीदा है, उसे राम एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देता है। इस केस में राम ने अपने 10 लाख रुपए के ब्लैक मनी को सुनील के जरिए व्हाइट करवाया और सुनील की कंपनी का इस्तेमाल करके बॉन्ड्स खरीदा। हालांकि रियल डोनर राम है, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में सुनील की कंपनी को परचेजर के रूप में दिखाया जाएगा। यहां राम और सुनील ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की और ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया और पॉलिटिकल डोनेशन किया। आरबीआई ने कहा कि बॉन्ड्स को स्क्राइब फॉर्म में यानी कि पेपर की तरफ बैंक को इश्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा ज्यादा होगा। उन्होंने सरकार को यह भी कहा कि बॉन्ड्स को डिजिटल फॉर्म में बेचना चाहिए और सिर्फ आरबीआई को बॉन्ड्स बेचने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सरकार ने आरबीआई की बात नहीं सुनी। अब आते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर क्या क्या ऑब्जेक्शंस उठाए थे। पहला ऑब्जेक्शन, मिनिस्ट्री ने भी आरबीआई की तरह बॉन्ड्स को एक कागज के तौर पर इशू करने पर मना किया और ये भी कहा कि बॉन्ड्स को प्रॉमिसरी नोट नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक ही एंटिटी को दे सकते हैं और वो है पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा, स्कीम कहता है कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी बॉन्ड्स के जरिए चंदा ले सकती है जिसको कम से कम 1% वोट शेयर मिला हो लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन में। मिनिस्ट्री ने कहा कि ये प्रपोजल सेक्शन 29B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का उल्लंघन करता है, जिसके अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चंदा ले सकती है। सरकार ने तुरंत एक्ट के सेक्शन 29B का अमेंडमेंट कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने तीसरा ऑब्जेक्शन किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के प्रिंटिंग का खर्चा
सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बल्कि बॉन्ड खरीदने वाले को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर का पैसा यानी कि आपका और मेरा पैसा इस बॉन्ड की प्रिंटिंग में खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस ऑब्जेक्शन पर भी ध्यान नहीं दिया। आरटीआई एक्टिविस्ट कोमोडोर लोकेश बत्रा को एक आरटीआई के जवाब में ये पता चला कि सरकार ने 7.63 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के प्रिंटिंग पर खर्च कर दिया है और ये आंकड़ा सिर्फ बॉन्ड्स के फेस 22 की सेल तक की ही है। मीडिया रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि करीब 25 रुपए एक बॉन्ड की प्रिंटिंग पर खर्च होते हैं। सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये बोल के लॉन्च किया था कि इसके जरिए चंदा देने वाले डोनर की पहचान गुप्त रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं द क्विंट में नौकरी करती थी तब मैंने इस मामले पर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट फाइल की थी जिससे ये एक्सपोज हुआ था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एक हिडन यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो हमें नॉर्मल रोशनी में नहीं बल्कि सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज में ही दिख सकता है। आरटीआई के जरिए ये भी कंफर्म हुआ कि ये नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड करती है बॉन्ड्स को बेचने से पहले। जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था तब सरकार ने पब्लिक को इस छुपे हुए नंबर की जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जब ये मैटर एक्सपोज हुआ तब सरकार ने माना कि ये यूनिक नंबर बॉन्ड्स पर एग्जिस्ट करता है और साथ ही ये भी कहा कि ये एक सिक्योरिटी फीचर है जिससे ये पता चल सकेगा कि बॉन्ड जेन्युइन है कि नहीं। इस कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस नंबर को रिकॉर्ड करती है। सरकार ने ये भी कहा कि ये नंबर ऑडिटिंग में काम आता है। जाहिर सी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब इस नंबर को रिकॉर्ड करती है तो ये भी लिखती है कि बॉन्ड किसने खरीदा है, और जब पॉलिटिकल पार्टी बॉन्ड को रिडीम करने के लिए बैंक में जमा करती है तो बैंक फिर से नंबर रिकॉर्ड करता है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने इस छुपे हुए नंबर के बारे में पब्लिक को क्यों नहीं बताया। भले ही आम जनता या इलेक्शन कमीशन को ये नहीं पता कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर कौन है, लेकिन सरकार और एसबीआई को तो ये पता है कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एनालिसिस पब्लिश किए हैं। उनकी जुलाई 2023 में पब्लिश एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि 6 साल में बीजेपी सरकार को लगभग 5,271.97 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिला है। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस को 1,783.93 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिले हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने 2018 में पब्लिक इंटरेस्ट याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बेचने पर तुरंत रोक लगाने की मांग की, कहा कि ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने ये भी कहा कि डोनर्स के नाम पब्लिक किए जाने चाहिए ताकि पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इस स्कीम पर सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आना बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।